हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएस के व्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि अभी बकरों को फीड हम लोगों ने दिखाई आपको अगले पिछले वीडियो में, ये फीड तैयार करके अभी ये बकरों को डाली जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जुबैर भाई से भी बात करेंगे और अभी देखते हैं ये बकरों को फीड अभी ये डालने जा रहे हैं, तो हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप लोगों के सामने ही हम लोग दिखाएंगे अभी इंशाल्लाह। देखो, बकरों को ये डाला गया है, ठीक है, और आप सफाई देखें इस जगह की। मेरे साथ अभी कोई नहीं है, ना जुबैर भाई है, ना कोई है, मैं खुद से इधर अंदर आके इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ। ये देखो, बकरों की ये फीड डाली गई है और आप इन बकरों का एक्साइटमेंट देखें, माशाल्लाह। देखिए, ये कितने किलो का जगह है? 700 ग्राम का, सही है, 700 ग्राम इन सबको डाला गया है फीड में। अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे आपको कंटिन्यू बताएंगे यहाँ पे बकरों का रिजल्ट क्या है, कितने बकरे पलाई पर है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओके 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 भाई, खा ले। ये देखिए माशाल्लाह, साफ सफाई आप देखिए फार्म की, और मैनेजमेंट आप देखिए। देखिए सारे बकरे माशाल्लाह एकदम खाने में एकदम बिजी है। ये मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट है, बकरे जब खाते हुए, उनका जब मुंह फीडर के अंदर होता है ना, बहुत मज़ा आता है इनको ऐसे देखते हुए। ठीक है, तो वीडियो को अभी और भी कंटिन्यू करेंगे आगे, इसमें बताएंगे कितने बकरे पलाई पर है और पलाई का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो जुबैर भाई भी अभी आ चुके हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कितने बकरे पलाई पर है, बकरे का पलाई का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। अस्सलाम जुबैर भाई, इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग हम लोग ने की, आप बाहर थे, तो हम लोग ने दिखा दिया है कि आपके यहाँ पे बकरों को क्या फीड दी जाती है और किस हिसाब से दी जाती है। 700 ग्राम के हिसाब से बकरों को डाला गया है, मैंने देखा है। ठीक है, हो सकता है बड़े बकरों को ज्यादा दी, बारिश का महीना है ना। ओके, तो बारिश के महीने में अगर अपन अगर ज्यादा ना देते तो गैस का मसला होता है। ओके ओके ओके, समझ रहे हैं। तो कैसा है कि अब डिपेंडिंग अपॉन कितना बकरा खा रहा है, पहले 700 ग्राम खत्म कर दिया तो फिर उसको और देंगे। सही है, 125 किलो मैक्स है, उसके ऊपर देखिए जरूरत ही नहीं कोई। मतलब बकरे को अगर ये 700 ग्राम में ही बच जाता है, अगर बच जाता है तो फिर स्टॉप। अगर वो और देख रहे हैं बकरे ने पहले इसमें खत्म कर दिया है, तो फिर इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ओवर फीडिंग करके हमको गैस नहीं करना है बकरे को। ठीक है, तो जुबैर भाई अपने पास बकरे हैं कितने वैसे पलाई पर? देखो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 70 बकरे पलाई पे, 70 फीमेल और मेल मिला के, फीमेल अराउंड 35 है मेरे पास। ओके, और अराउंड वही सेम अमाउंट ऑफ मेल है। अभी जैसे कि अभी सानेन अगर देखते हो, ये इम्पोर्टेड सानेन है, समझ रहे, इसका माँ और इसकी बाप दोनों इम्पोर्टेड है, उन्होंने परचेज किया हैदराबाद से। okay. हमारे पहचान वाले भाई है, ये सिर्फ 2 दांत फ्रेश है, इसकी सींग देखिए आप, ये भी 2 दांत है, 2 दांत फ्रेश है, माशाल्लाह इम्पोर्टेड लाइन का है, माशाल्लाह। अब ये आके आप देखते हो, ये अभी अदंत है, इसकी आप आगे का बफ देखिए, इसकी सींग देखिए आप, बहुत ही माशाल्लाह उमदा क्वालिटी का साने है, समझ रहे हो, अंदर भी वर्ड्स। ये आप देख रहे हो, ये ब्लैक साने है, ये काला साने ने 1 दांत पे, अभी ये भी एक दांत पे ब्लैक साने, बहुत रेयर क्वालिटी है। ओके, सही है, ये भी एक साने ने अदंत है, अभी दांत करा भी नहीं। ये सब एक ही कस्टमर के है? नहीं, सब अलग 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 मैक्सिमम हमारे कस्टमर है, उनका नाम लूंगा, फैजान भाई करके है, अभी दुबई में रहते हैं। उनकी आईडी का बक मैन करके मैक्सिमम उनकी जानूंगा। क्या नाम है? दुबई में रहते हो? क्या नाम है उनका? फैजान भाई, उनका इंस्टा पे आईडी द बक मैन, द बक बकमैन, द बकमैन। तो बकरों से रिलेटेड है या फिर? बकरों से रिलेटेड खाली। ओके, ये भी उनका बकरा है, ये अभी अदंत है, इसकी आप सींग दीजिए, माशाल्लाह, ये अभी अदंत है, अदंत है, अदंत, दांत तोड़ा भी नहीं, इसकी सींग देखिए आप। अच्छा, ये परचेसिंग जो ये करते हैं, ये परचेसिंग सब मैं ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा मैनेज मैं ही करता हूँ। ये भी एक सानी है, ये अपने वसीम भाई, कुवैत
ओके okay. में वसीम भाई उनका साने ने सकप नाम है उसका। क्या नाम है? सकप, बकरे का नाम। बकरे का नाम ओके ओके। चार साल अभी ये हमारा जो इक्का है फार्म का सम्राट, सम्राट पैजान भाई का ओके दुबई में ये हमारा इक्का है फार्म का माशाल्लाह 85 केजी पे खड़ा है भैया। इसकी आप लेंथ देखिए माशाल्लाह, इसकी साइज देखिए माशाल्लाह। आप लेंथ देखिए इसकी, अगर आप जूम करेंगे इसके चेहरे पे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ आइए भाई दानिश भाई कौन? डी गोट फार्म। दानिश भाई कहाँ से इधर आया ये? और दानिश भाई मेरे फार्म पे फीमेल्स है ना। ओके ओके ओके। उनको ब्रीडिंग कराने का तो अच्छा अच्छा मतलब ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने भेजा है। फिर ये अपने और एक कोला में आतिफ भाई करके उनका बकरा है, तीन दांत के सामने उसकी सिंग देखिए माशाल्लाह। मतलब जहाँ यहाँ पर जो है आपके पास जो एक्सोटिक पूरा एक्सोटिक कलेक्शन आप देख रहे हो आपके सामने, ये कूटा लगाया हूँ मैंने, ये सब कूटा सिस्टम ताकि इनकी सिंग घसे भी नहीं। ओके ओके। ये में किसी घस जाएगी ये पूरे दिन की लोग गर्दन बनती है, गर्दन देखा इसमें। हाँ गर्दन बहुत मोटी है उसकी माशाल्लाह। गर्दन देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर आ जाइए, ये आपको अंदर दिखाते हैं। ठीक है ठीक है। ये अपने व्हाइट बोर्ड है अपने पास, ये पलाई पे सही है, ये अपने छोटा फॉर सेल है, देना है ये देना है, ये फॉर सेल है। ये छह दांत पे है, अराउंड 75 किलो, बहुत ही अग्रेसिव है ये। मार मार ये सेल अपने पास। ये मेंढा भी तो अदंत आया था, अभी मास्टर दो दांत पे 65 किलो पे खड़ा हुआ है माशाल्लाह बहुत। ये भी एक साने अपने पास, तौसीफ भाई का है, जुल्फिकार। तौसीफ भाई नाम है उनका। ओके क्या नाम? बकरे का नाम जुल्फिकार है। जुल्फिकार है और इनके ओनर तौसीफ भाई। ये गुलाबी कोटा बच्चा है माशाल्लाह, ये फैजान भाई है माशाल्लाह। इसमें से कोई बकरा देना तो नहीं है ना? इसमें से नहीं, ये अपने कुंडा वाले इबाद भाई उनका बकरा है। ये अदंत है, 6 महीने का है। सिंह देखो वाह माशाल्लाह। अभी 6 महीने का है, ये 6 महीने का बकरा है माशाल्लाह। ये अपने फैजान भाई का बोर है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अपने वसीम भाई कुवैत वाले उनका बोर है, ये अपने फार्म पे पैदा हुआ है, उन्होंने खरीदे, जिसका सकप है ना उन्होंने खरीदा है। ओके कालाहारी बोर का बच्चा। अच्छा ये अपना एक शमशुद्दीन भाई है, उनका व्हाइट बोर है ये पीछे। ओके सही है। टोटल अपने पास मेल कितने हैं पलाई पर? 33 या 34 अराउंड मेल अपने पास है। ये कोटा उनका है ब्राउन वाला। हाँ ओके। और फिर ये जो तौसीफ भाई का बकरा है ना सानिन वाइट वाला, हाँ ये उनके बकरे हैं, सब स्टड लाइन के बोर है, सब स्टड लाइन के बोर है माशाल्लाह। एक माशाल्लाह। दो ये कालाहारी, तीन ये चार, ये सब स्टड लाइन के बोर है माशाल्लाह। ये पलाई पे अपने, ये सारे बकरे पलाई पे माशाल्लाह। अपना पर्सनल कुछ भी नहीं इधर पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुश्ताक भाई भी आज यहाँ पर पहुँच गए, पिछले वीडियो में आपका जिक्र किया हम लोगों ने और माशाल्लाह आप आ भी गए। एक्चुअली प्लानिंग साथ में ही आने का था, बहुत ज्यादा था, बहुत टेंशन बारिश की वजह से बहुत ज्यादा। ये मुश्ताक भाई अपने हम उनसे फीड लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी अभी इनकी तरफ अपना हुआ है। कहाँ कहाँ पहुँचोगे? ये अपना बैंटम है माशाल्लाह। दो दांत पे इसको बाहर निकालूंगा तो देखना, अभी फिलहाल इंशाल्लाह मसला है जरा बारिश की वजह से हमारे, ये फैजान भाई का बैंटम है। टोटल अपने पास मेल कितने हैं अपन ने बताया? अराउंड 33 तक मेल है। मेल है ठीक है। और 35-36 बकरे, 37 फीमेल। ओके 37 फीमेल है और 35-33 के करीब मेल है ठीक है। तो ये सारे जो जितने अपन ने अभी कवर किए टोटल पलाई पर, सारे पलाई पर अपना कोई भी नहीं, ये दो हमारा बस, ये सामने वाले वो भी देने हैं, ये दोनों सेल के लिए ये देना है अपने को। तो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो इन बकरों में तो आप लोग इनसे जरूर कांटेक्ट करें, बहुत ही अग्रेसिव है। इसका एग्रेशन तो आप देख ही सकते हो, मतलब इसके पास। ओके ये मालवा, ये भी सेल के लिए, ये भी सेल के लिए छह दांत पे है ठीक है, 75 किलो माशाल्लाह।
ये कोटा और एक मालवा है, ये कोटा है और ये मालवा, ये दोनों सेल के लिए। ओके, इसी भाई को भी क्या प्राइस कोट कर रहे हो? हाँ, प्राइस क्या कोट कर रहे हो? एकदम आज भी लगा दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। आप चीज देख रहे हो तो इस पे बताओगे वीडियो पे ना, 40 के अंदर रहे दोनों, दोनों का रेट मतलब पर बकरा 40 के अंदर, 30 से 40 के अंदर दोनों का वही रहेगा ना? ठीक है। और अब इसमें हम लोग ये दिखा देंगे कि आगे फीमेल सेक्शन कौन सा होने वाला है, वो भी एक छोटा सा वो दे देते हैं। यहाँ अभी फिलहाल काम चल रहा है, इसमें काम चालू है, तो ये हमारा पूरा फीमेल का सेक्शन बनने वाला है। जो बाहर हम लोग फीमेल देख रहे हैं वो सब यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सेक्शन बनने वाले हैं, कम से कम 4 सेक्शन यहाँ रहेंगे, 4 सेक्शन यहाँ रहेंगे। ओके, सेक्शन वाइज पूरी फीमेल डिवाइड होगी। अपनी टोटल जगह जो है वो कितने एकड़ है, एकड़ में है या गुंटा में? 1.5 एकड़ जगह है खुद की, जिस जगह को मतलब आप लोग जितना चाहे फैला सकते, बना सकते है ना, जगह को कोई इशू नहीं हमारे पास। हाँ। अगर आप बाहर आगे देखते हो इधर, यहीं से अगर आप देखते हो अभी, तो देखो ये पूरा केले को पूरा, अरे वाह, अखाड़ा बनाया मैंने। अरे यार, आज बारिश ने पूरा गेम खराब किया है। एक वॉर जोन है भाई, सारे मेरे बकरे आगे बनते हैं और अपनी सींग घस के अभी अपनी गर्दन तैयार करते हैं। माशाल्लाह, नेचुरल हैबिटेट है पूरा, अगर आप देख सकते हो आगे पीछे पूरा, क्या बात है। ये सामने क्या है, गार्डन है क्या? फार्म है क्या? बकरे का फार्म नहीं है, वो अलग कुछ फार्म है। अच्छी चीज है, मतलब ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा। देखोगे बकरे यार बनते हैं रोज शाम को 2 घंटा बाहर, डेली बारिश नहीं रहेगी तो ओके तो अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पर ये पूरा अपने बकरे पूरे बनते हैं माशाल्लाह, यहीं से अंदर बाहर पूरा अपना रहता है। मतलब लेट हो गए यार, बारिश ने पूरा गेम खराब कर दिया, नहीं तो बहुत अच्छा वीडियो बनता था यार। क्या बोलेंगे अभी, अल्लाह की मर्जी है, बारिश को भी अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो भी अल्लाह की रहमत है। पूरा अपना प्राइवेट गार्डन है, अपने सब बकरे बनते। लेकिन एक चीज है कि लोगों को अगर यहाँ पे बकरे कोई देता है अपना अंडुल सेक्शन, अंडुल बकरा जो है 110% यहाँ पे तैयार होने बनना ही, मैं तो बोल रहा हूँ पब्लिक को, हमको भी मौका दो बकरे प्रिपेयर करने के लिए, चांस देना चाहिए, चांस दो। आप आओ हमारे फार्म पे विजिट करो, विजिट करो, जगह देखो क्या है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह। सब्सक्राइबर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी तो आप बोलिए उनको, आप आइए जगह देखिए, बकरे देखिए और फिर बताइए क्या है। बकरों में तो कलेक्शन, ऑथेंटिक फार्म सेटअप बोलूंगा मैं, ओरिजिनल फार्म बोलते हैं ना, जो बकरे को यही चाहिए। हाँ। जो खुला आसमान, जरा भी यहाँ पर गाड़ी की पीप है, चीप है, कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, बकरे टाइम पे खाते, टाइम पे सोते, लाइट बंद हो जाती है 8 बजे एकदम बोर्डिंग स्कूल की तरह रखा हुआ मैंने, सही समझ रहे, बकरे एकदम सेट है। आप देख रहे हैं, एक भी बकरा आपको बीमार लगा इसके अंदर? नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालांकि बीमारी अपने यहाँ पर भी आई, बीमारी मोर्टेलिटी अपने भी यहाँ पे हुई, लेकिन रिकवरी माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है। मेरे सारे क्लाइंट ने मेरे को सपोर्ट किया, किसी ने ये नहीं बोला कि मैं बकरे हटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, सारे क्लाइंटों ने बोला कि भाई बकरा हम रखेंगे तुम्हारे यहाँ पर, दूसरा फार्म मोर्टेलिटी गारंटी नहीं दे रहा है, तो यहाँ से वहाँ करके बीच में आपको खबर भी आई थी कि शायद फार्म बंद होने वाला है, समझ लो, भी उड़ी थी। पब्लिक फोन करी जो मेरे हीराकोट बंद हो रहा है, मैं बोला बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मोर्टेलिटी होती है हर फार्म में, जुलाई के महीने में हमारे यहाँ भी हुई थी, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, बिंदास जो है सामने। तो ये था एक छोटा सा फार्म टूर और बकरों के फीडिंग टाइम का भी हम लोग ने छोटा सा वीडियो शूट किया, आपको इसी पूरे वीडियो में हम लोग ने सारी चीजें दिखा दी, ये आप देख सकते हो, निकलने वाला नहीं है। और ये आप देखे कि मतलब इन्होंने कितना अच्छा मैनेजमेंट रखा है और कितना अच्छा डिस्टेंस रखा है कि दो बकरे आपस में लड़ भी नहीं सकते, रोज का 2-2.5-1-2 घंटा 3 घंटा अगर इनको चाहिए तो ये बाहर भी बांधेंगे, बारिश अभी है तो नहीं तो जरूर हम लोग शूट करते 100% 2 घंटा रोज बकरे बनते ही है बाहर, उनका काम है लाना है बकरे बाहर, बांधना है, बकरियां बाहर चरती है, उन लोग का प्राइवेट जगह है, बकरों का प्राइवेट जगह है यहाँ पर, सही है, बहुत बढ़िया। अक्टूबर में हम लोग इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर एक वीडियो शूट करेंगे, जब आपको मजा आएगी शूट करने, क्योंकि बारिश बकरे बाहर निकाल नहीं पा रहे, सही, अंधेरे में उनको बकरे शायद समझ इसको नहीं आवे, लेकिन बाहर जब मजा आएगी, लेंथ और उसकी हाइट सब मालूम पड़ेगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा, पूरे टोटल बकरे बाहर आ जाते थे जितने भी थे, सानियन का कलेक्शन, पूरा बोर का कलेक्शन, पूरा बोर कलेक्शन, सब आता था। हाँ देखा अपने, सारे एक्सोटिक, खाली पंजाबी रहेगा, पंजाबी, कोटा और एक मालवाई है, इंडियन में कोटा मालवा मेरे पास आपका खुद का, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा अपने को करा है कि जो बकरे आ रहे हैं एक्सोटिक ही आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है हीरा गोट्स करके, माशाल्लाह HIRAGOAT 1 word हीरा गोट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह बकरे जितने मैंने बेचा भी ना ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, वो सब बकरे मेरे फार्म में पलाई पे है वापस से, माशाल्लाह। क्या अभी रखो, अभी बना के दो हमारे को, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और भी अगर आगे वीडियो आने वाले इंशाल्लाह किसी न किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो गाइज पूरी सीरीज आप लोग देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज को ऐड करने का था, पढ़ाई के बारे में, रेट्स के बारे में, जैसे कि हम लोग अगले वीडियो में ऐड करें, क्योंकि ये वीडियो 12 मिनट का हो चुका ऑलरेडी,
तो ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।